हेलो एवरीवन वेलकम टू क्लास सीरीज और आज की इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटीज़ को देखेंगे ठीक है तो चलो हम सीधा चलते हैं और डायरेक्टली हम डिफरेंस देखने जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे तीन कॉलम्स हैं फर्स्ट कॉलम ऑन दी बेसिस ऑफ सेकंड कॉलम कंडीशन और थर्ड कॉलम को हमने लिया है वारंटी ठीक है तो हमारी फर्स्ट बेसिक डिफरेंस आती है कि किसके बेसिस पे मीनिंग और डिफरेंस एज टू वैल्यू तो डिफरेंज एज टू वैल्यू या फिर उसका मीनिंग क्या होता है कंडीशन के अंदर क्या बोला है कंडीशन इज एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्टैक्ट कंडीशन एक मेन पर्पस है कॉन्टैक्ट का वारंटी के अंदर क्या बोला है वारंटी इज ए कॉलेट्रल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्टैक्ट वारंटी कॉलेट्रल है जो मेन पर्पज होता है कॉन्टैक्ट का उसका ठीक है यहाँ पे सेकंड डिफरेंस डिफरेंस आती है डिफरेंस एज टू ब्रीच अगर आई I मीन mean, जो

दूसरे तरीके से कैसे माना जाएगा कि मतलब वो जो उसकी वारंटी थी वो भी ब्रीच हो गई है ठीक है लेकिन वारंटी के अंदर क्या बोला है ब्रीच ऑफ वारंटी कैनॉट बी ट्रीटेड एज कंडीशन अगर कोई भी चीज़ की या फिर कोई भी प्रोडक्ट की वारंटी को ब्रीच करा गया लेकिन आई मीन I mean, जो 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 प्रोडक्ट की वारंटी ब्रीच करी गई है तो वो तो वो सेम चीज़ ट्रीट नहीं करी जाएगी कंडीशन के अंदर ठीक है नेक्स्ट अपना आता है कंसर्न कंसर्न के अंदर क्या बोला है इट इज़ ए प्राइमरी कंसर्न ये प्राइमरी कंसर्न है और वारंटी सेकेंडरी कंसर्न है ठीक है नेक्स्ट आता है अपना इंप्लाइड और एक्सप्रेस तो कंडीशन होती है इट कैन बी इंप्लाइड और वारंटीज के अंदर क्या बोला है इट इज़ यूजली एक्सप्रेस ठीक है वो इंप्लाइड नहीं होती है अब लास्ट एंड लास्ट डिफरेंस आती है कंडीशन ऑफ वारंटीज की जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर नेचर के अंदर क्या बोला है इट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट ये एसेंशियल पार्ट है ठीक है तो वारंटीज के अंदर क्या बोला है? ये एक एसेंशियल पार्ट नहीं है कॉन्टैक्ट का ये सिर्फ एक कोलाट्रल है जो कि हमने फर्स्ट uh, डिफरेंस में देखा था ठीक है तो ये थी बेसिकली अपनी डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटीज